हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल ग्लोई ग्लॉसी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सबका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। मैंने सारे प्रोडक्ट मामा अर्थ के यूज़ किए हुए हैं और काफ़ी कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले मेक श्योर मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। सो ज़्यादा बातें ना करती हुए चलो देखते हैं किस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। तो मैंने ऑलरेडी टोनर और सीरम लगा लिया हुआ है, बारी आती है मॉइस्चराइजर की। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजर, और मेरा फेवरेट है, ख़त्म भी होने वाला है। काफ़ी अच्छी तरीके से फेस को हाइड्रेट कर देता है एंड मॉइस्चराइज रखता है लंबे टाइम तक, और नॉन स्टिकी है, लाइट वेट है, आप खुद ही देख सकते हो। ये हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। मॉइस्चराइजर के बाद बारी आती है प्राइमर की। तो मैं यहाँ पर द डर्मको का प्राइमर यूज कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। प्राइमर हमारे जो फेस है उस पर एक लेयर क्रिएट करता है, जिससे मेकअप ना स्किन के अंदर नहीं जाता है। प्राइमर से ना हमारा मेकअप फ्लॉलेस भी होता है। प्राइमर के बाद अब मैं यहाँ पर यूज करूँ मामाअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। आपको पता ही है विटामिन सी हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है, हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसमें आपको SPF 30 भी मिल जाता है, जो कि प्लस पॉइंट है, नेचुरल ग्लो देता है, मेड सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें टोटल 3 शेड्स लॉन्च हुए हैं। फर्स्ट शेड जो है वो है वनीला, एंड सेकेंड शेड है 02 पीच, एंड थर्ड शेड है 03 हनी। तो मेरा जो शेड है वो है 02 पीच। पैकेजिंग आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। नेक पे भी लगा ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे लगेगा ना कि फेस किसी और का, नेक किसी और का। तो बस इसको लगाएं, फिंगर की हेल्प से भी इजीली ब्लेंड हो जाता है। ऐसे देखिए ब्लेंड हो जा रहा है, तो आप फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप सभी को पता है पहली बार कोई सीसी प्रोडक्ट जो है सीरम फॉर्म में आया हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम इज़ स्पेशली फॉर्मुलेटेड विदाउट एनी हार्मफुल टॉक्सिन एंड केमिकल्स, तो इसे आप डेली यूज कर सकते हो। ये ना डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, वाटर रेजिस्टेंट है, हाइड्रेटिंग है। तो मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाई करने से पहले मेक श्योर मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है DEEP2024 यूज कर ले। इससे आपको ना मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट पे 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पे, एंड हाँ अभी आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर हैंड स्वेचेज भी दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हो। आप सभी को पता ही है कि मामाअर्थ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव एंड प्लास्टिक पॉजिटिव है। प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव मीन्स एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू आर ट्री दे प्लांट बाय 2025। मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। देखिए कितना नेचुरल सा लुक मिला है। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि और भी ज्यादा नेचुरल फिनिश हमें मिले। देखिए तो सबसे पहले आपको ब्रश से ब्लेंड करना है, इसके बाद नेचुरल फिनिश के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, तो इससे लगता नहीं कि आपने कोई मेकअप किया हुआ है। अब मैं यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का लिप चिक एंड आई टिंट। सबसे पहले मैं चिक के लिए यूज करूँगी सेड 01 बीट रेड। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, आउटर मैंने आपको दिखा दी, इनर पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसकी खासियत ये है कि इसे आप लिप पे लगा सकते हो, चिक पे लगा सकते हो, आई पे लगा सकते हो, तो 3-in-1 है ये। तो सबसे पहले मैं इसे चिक पे लगाऊंगी और ईजिली ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी नेचुरल लुक देता है। विंटर में आपके पास कुछ हो या ना हो, मामाअर्थ का लिप चिक एंड आई टिंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ, रीज़न मैं भी आपको बताऊँगी क्यों। ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, देखा आपने, तो बहुत ही प्यारा सा लुक मिलता है हमें इसे लगाने के बाद। और हमें ना थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा ही पसंद है। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे हम, उसकी हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बैकग्राउंड में हमारी बिटिया रानी खेल रही है, आपको दिखा दूं कितना बज रहा है, रात के बज रहे हैं 10:30। सारा दिन हमने सोचा और सो जाएं, बट वो नहीं सोए, तो और इतनी रात में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, 10:30 बजे।
तो बैकग्राउंड में आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी ही। तो आईज़ के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ 02 कोको न्यूड, और ये बहुत ही प्यारा कलर है। इसे आप अपने लिप पे लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे ये कलर। तो मैं फिंगर की हेल्प से ही लगाऊंगी और पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं हैंड स्वेचेज भी दे दूँगी, देखिए बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, देख रहे हो आप, ये देखिए। तो हम थोड़ा सा हमारी आईज़ पे लगाएंगे इसे नेचुरल लुक के लिए। इससे बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने आई शेडो लगाया हुआ है, बट हाँ अभी मैं आपको अंतर अपनी आईज़ पे दिखाऊंगी। इस आईज़ में देखिए आप, इस आईज़ में देखिए, देखें आप, तो काफ़ी हमारी जो आईज़ है ना ग्लॉसी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहीं से मैं लेके इस आईज़ पे भी लगा लूँगी। हम ले रहे हैं एक लिप लाइनर, ओके हमने आउटलाइन कर लिया। अब लिप लिप पे हम क्या यूज करने वाले हैं, लिप के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का लिपस्टिक एंड आई टिंट, और इसमें जो शेड है 03 रोज पिंक, काफी खूबसूरत सा पिंक कलर है। फिंगर की हेल्प से ही लगाएंगे, पिगमेंटेशन आप देख लीजिए। तो अब इस शेड के ऊपर हम यहाँ पर कोको न्यूड शेड लगाएंगे, देख लीजिए कितना ज्यादा नेचुरल लुक लग रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मामा अर्थ नर्सिंग नेचुरल लिपस्टिक एंड आई टिंट के बारे में। इसमें टोटल 3 शेड्स लॉन्च हुए हैं, बीटरेट, कोको न्यूड एंड रोज़ पिंक। तो मैंने तीनों शेड यूज करके आपको दिखा दिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा ना लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीमी मैट है, मेड सेफ है, इजी टू ब्लेंड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो मैंने इन प्रोडक्ट्स का बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो उसके थ्रू जाके आप ऑर्डर प्लेस करें। मैंने यहाँ पर हैंड स्वेचेस भी दिखा दिए एंड लगा के तो मैंने आपको फेस पे दिखा ही दिया। हाइलाइटर लगाएंगे, अब हमारी आईब्रो फिल करने जा रहे हैं। अब हम लगा ले रहे हैं बिंदी। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं हमारा ग्लोई ग्लॉसी मेकअप, काफ़ी कम प्रोडक्ट यूज़ करके, बट आप देख सकते हो फेस कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो हम मॉल गए थे, थोड़ा सा रिकॉर्ड किए थे, तो यहाँ पर हम वो क्लिप लगा दे रहे हैं। आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा, ओके गाइस बाय।